गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम। आपकी ये फर्स्ट क्लास है, वैसे तो सेकंड क्लास है, इससे पहले आप सोशल स्टडी पढ़ चुके हो, पर साइंस की आपकी ये फर्स्ट क्लास है। बुक को आपने अरेंज कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो अभी गूगल से काम ले रहे होंगे, आप डाउनलोड की होगी आपने बुक, नहीं तो फिर आप अपने सीनियर से जल्दी बुक ले लीजिएगा। आपको इस बुक को ही फॉलो करना है जो कि एनसीईआरटी है। गूगल से तो डाउनलोड करोगे तो एनसीईआरटी साइट पे ही करना, वही बुक को फॉलो करना है। लास्ट ईयर वाली अगर बुक किसी से लेते हो तो आपको ये एडवाइज़र जो दे रखी है साइंस की, इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगी और यही बुक हम फॉलो करेंगे। इसमें आपके अगर सिलेबस को डिस्कस किया जाए तो इस बार जो 9th में आपके प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस है, आपका 15 लेसन दे रखे हैं, है ना? 15 लेसन है टोटल टोटल। हाँ, जो जो क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं गुड मॉर्निंग टाइप कर दीजिए ताकि आपकी प्रेजेंस शो हो, पता चले कितने बच्चे ऐड हो चुके हैं। अब 15 लेसन टोटल दे रखे हैं, उसमें से 4 लेसन, 1 2 3 4, 4 लेसन जो है वो आपके केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री समझते ही हो आप, रसायन केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 3 लेसन है आपके 5th 6th और 7th, ये 3 लेसन आपके हैं बायोलॉजी के, जिसमें आपको टिश्यू सेल और एनिमल इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और 8 9 10 और 11, यहाँ तक के आपके सारे लेसन जो है वो फिजिक्स के हैं, साउंड तक 12th तक। और 13 14 15 जो है वो नॉर्मल है, यानी कि ये लेसन ऐसे हैं जो इजी वे में आप पढ़ सकते हो, एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। तो ये सारे लेसन इस साल आपको पढ़ने, अभी तक का रिवाइज सिलेबस कुछ आया नहीं है। हाँ, फर्स्ट प्रीवियस ईयर में ये फर्स्ट लेसन जो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ आज, द मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये रिवाइज सिलेबस में नहीं था, बट अभी तक इस साल का जो भी है न्यू एडिशन या न्यू रिवाइज सिलेबस आया नहीं है, तो अभी तक जितना नहीं, कुछ भी नहीं गाइडलाइंस आई है, तो हमें जितने लेसन है उतने पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आज फर्स्ट लेसन ही स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप, आपको मैंने पढ़ा है अच्छे से कि मैटर क्या होते हैं, तो आपने मैटर नहीं पढ़ा था, ठीक है। आप सोचोगे कि हमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था, लेकिन मेटल नॉन मेटल भी क्या है, मैटर ही है। मैटर की डेफिनेशन अगर बात की जाए, MATTER, मैटर क्या होता है, मैटर इज एनी थिंग दैट हैज वेट और मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैं वापस डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैटर इज एनी थिंग, नहीं तो फिर आपकी बुक में लास्ट में कहीं ना कहीं दे रखी होगी, स्टार्ट में दे रखी होगी, आएगी बीच में, अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैटर इज एनी थिंग दैट हैज वेट और मास। मैटर कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट हो, कोई भी। आप दुनिया भर में रोज दिन भर में बहुत सारी चीजें रूटीन लाइफ में यूज करते हो, बहुत सारी, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, मैटर। मैटर एक ऐसी चीज है, मैटर को अगर डिफाइन करना है हमें तो हम क्या बोलेंगे कि मैटर वो चीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रखने पर, पुट करने पर, वो एक पर्टिकुलर अपना स्थान घेरे, ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसी चीज जो रखने पर अपना पर्टिकुलर स्पेस कवर करे, ऑक्यूपाइज स्पेस। एंड सेकेंड थिंग दैट हैज वेट और मास, एक चीज वो होती है जिसका वेट होता है, वेट किसका होता है, जहां पर ग्रेविटी है वहीं पर वेट एप्लीकेबल होगा। और मास क्या होता है, तो मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुकी हूँ, मैं 8th के दोनों सेक्शन में मैं अच्छे से बता चुकी थी कि एक मैटर किसी भी चीज के अंदर, एलिमेंट के अंदर बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि सेल सबसे छोटी होती है, लिविंग चीज की बात करें अगर, लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग में सबसे छोटा क्या है, सेल है। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे छोटा क्या है, तो वो है एटम। और मैंने आपको बताया था 8th में पढ़ाया था ये चीज, मैंने क्लास जब रीओपन हुई थी, जब आप ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन पढ़ रहे थे घर में, स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लासेस लग रही थी, उसमें मैंने दोनों सेक्शन में पढ़ाया था, या फिर आपको अर्पिता मैम ने पढ़ाया होगा दूसरे सेक्शन में, कि एक कोई भी चीज होती है मैटर की, उस एटम में स्मॉलेस्ट पार्टिकल दो चीज होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज होती है मैटर। मैटर वो चीजें जो बहुत, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सब उसी से बना हुआ है, जो भी पर्टिकुलर स्पेस घेरेगा और जो भी जिसका भी पर्टिकुलर वेट या मास होगा। अब मैं बता रही थी कि मास क्या होता है, तो मास वो होता है जिसमें एटम के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के, उन दोनों को अगर प्लस किया जाए, यानी कैलकुलेट किया जाए, एडिशन किया जाए, तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से क्या बनता है, मास, MASS। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। तो मैटर इज एनी थिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई मास, और वेट या मास और ऑक्यूपाई स्पेस, ये मैटर हो गया। अब मैटर कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। हम
सुबह उठते हैं, क्लाउड देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, रूटीन लाइफ में हमारी जो चीज़ें होती है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो सब किससे बनी हुई है? मैटर से। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि मैटर क्या चीज़ होती है। अब इस चैप्टर में भी आपको वही पढ़ना है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के जो मैटर है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे इनके इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा उसके बाद इसी एट अ ग्लैंस अभी बता देती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन खत्म करोगे मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजली अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी मैटर कितनी स्टेट में होता है। आपने सुन रखा है पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी जो आपने पहले से पढ़ रखी है। अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो साइंस, तो नाइन्थ में ऐसे नहीं सोचना है कि अब नाइन्थ है तो साइंस यहाँ की टफ हो जाएगी, थोड़ी डिटेल में रहेगी बट आपको आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि जो हमने सिक्स सेवन एट में पढ़ा है उसी को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं होगा। अब यहाँ शुरू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है, क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई है वो सारी की सारी मैटर से बनी होती है और इसी को साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं यानी कि जो O2 हम ले रहे हैं, इसके अलावा जो CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, मैटर है। अब आप कहोगे कि नहीं ये तो गैसेज है और गैसेस को हम नॉन मेटल बोलते हैं, तो गैसेस, मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, डजेंट मैटर, सबके सब है क्या, मैटर। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, द फूड वी ईट, जो फूड हम खा रहे हैं, द स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर यानी मटेरियल। Everything is matter. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass. अब मैं बता चुकी हूँ आपको पहले से ही कि mass word क्या है? Mass क्या है? P plus N तो क्या हो जाएगा, ये हमारा mass number। अब किसी भी, अब आप सोचोगे कि P plus N क्या है, तो मैंने बताया था आपको, नहीं भी बताया था या जिस section में मैंने नहीं पढ़ाया था आपने ध्यान दिया होगा, तो एक किसी भी एटम के बीचों बीच जो स्मॉल में सेंटर में न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, दोनों को सम करने पर यानी दोनों को ऐड करने पर जो एक नंबर आता है वो नंबर हमारा किसका होता है, मास नंबर। ठीक है, तो पर्टिकुलर, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि अगर हमें बोलना है कि मैटर क्या चीज़ है तो ये मैटर की डेफिनेशन हो गई, जिसका मास भी हो और जिसका वॉल्यूम भी हो। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जब किसी बुक को भी, किसी पेपर को, किसी बुक को आप किसी टेबल पे रख रहे हो और वो पर्टिकुलर स्पेस को कवर कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर इसका एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की वजह से वो पर्टिकुलर टेबल का एक स्पेस को वो कवर कर रहा है, तो वो होता है उसका वॉल्यूम या ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरी चीज मास, तो ये दो चीजें जिसमें होगी कोई भी चीज तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मैटर। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of five basic elements. The panch tattva, ये भी सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो बॉडी है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, यहाँ पे दे रखा है उसी में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वॉटर, ये सारी पांच तत्व मानते हैं इनको हम। बहुत सारे फिलोसोफर यानी जो दार्शनिक है वो भी इन चीज़ों को मानते हैं कि पांच तत्वों से हर चीज बनी हुई है। According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. अब doesn't matter कि वो living thing है या non-living thing है, सबके सब किससे बने हुए, matter से। Was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a small classification of, similar classification of matter. और बहुत सारे scientists थे जिन्होंने, कुछ scientists थे जो Greek के philosopher जो थे, Greek के वहाँ के, उन्होंने matter को कुछ classification दिया, यानी उसको वर्गीकृत किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। हाँ, अब आपको कुछ नए नए वर्ड्स लग रहे होंगे, ठीक है, मैं बता देती हूँ उनमें क्या है। क्लासिफिकेशन तो आप समझते ही हो कि किसी भी चीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज या अपने कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पर उनको
टू या थ्री और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि किसी भी चीज़ को आप किस बेस पे अलग करोगे। दो प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, फिजिकल एंड केमिकल। ये चीज़ें आप 6-7 में पढ़ चुके हो, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, वही चीज़ें यहाँ पर। जिस सब्सटेंस की या जिस मैटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते या एक दूसरे से वो डिससिमिलरिटी शो करते हैं, तो उनको हम एक अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर ने मैटर को अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पर, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, दो प्रॉपर्टीज के बेस पर सारे मैटर को उन्होंने डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब हम पढ़ते हैं अगर मैटर का नेचर कैसा होता है, तो फिजिकल नेचर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल नेचर। यहाँ पे दे रखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ टू बी वेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। अब किसी साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो वुड के लॉग ऑफ वुड के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी तरफ है। तो हम देखते हैं कि आपको अगर मैटर समझना है तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं। आपको हमेशा 6-7-8 में आपने एक छोटा सा पिक्चर देखा होगा, तीन बॉक्स बना देते हैं हमेशा, है ना, तीन बॉक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर देते हैं। आपको भी पता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। अगर उनके बीच में स्पेस नहीं है तो आप उसको सॉलिड सब्सटेंस बोलते हो। अगर उनके बीच में माइनर सा स्पेस है, यानी सारे पार्टिकल दूर दूर लगे हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। और बहुत ज़्यादा दूर दूर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैसेस। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। उससे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ये बता रहा है कि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि NCERT की बुक में बहुत सारी लॉट ऑफ एक्टिविटीज दे रखी है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो मैं शॉर्ट में बताऊंगी तो आपको इजी भी समझ में आ जाएगा। डायग्राम दे रखा है, किसी बीकर या कंटेनर में आप वाटर अमाउंट ले लो, उस वाटर में आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को डालो जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो डिजोल्विंग सब्सटेंस हमने लिया सॉल्ट और शुगर, दोनों में से आप एक ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। तो फिक्स अमाउंट में आपने वाटर दिया है बीकर में और उसमें आप पुट कर रहे हो, पोर कर रहे हो शुगर और सॉल्ट, क्या होगा, एक ग्लास रॉड की हेल्प से आप उसको हिलाओगे, स्टीर करने के बाद वो उसमें वेल डिजोल्व हो जाएगा। इतना डिजोल्व हो जाएगा कि डिसअपियर हो जाएगा, यानी थोड़े टाइम के बाद आपको सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स वाटर में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन होगा क्या, उसमें घुल गए तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो डिसअपियर हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज वाटर के साथ ऐड हो गई। अगर आप उस पानी को टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी में या तो आपने शुगर डाला है तो वो पानी मीठा लगेगा, टेस्ट में स्वीट लगेगा, और अगर आपने सॉल्ट ऐड किया है तो वो पानी जो होगा हमारा वो सॉल्टी वाटर बन जाएगा। दैट मीन्स पार्टिकल्स कहीं गायब नहीं हुए, बस उन्होंने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया। पहले वो सॉलिड स्टेट में थे, अब जब उन्होंने यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमने वाटर में उसको डाला है तो वो उसमें बुरी तरह से डिजोल्व हो गया। अब यहाँ पे यही चीज देखिए, व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ लिया कि मैटर के पार्टिकल किससे बने होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कितने 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 ज्यादा छोटे हो सकते हैं और कितने से ज्यादा बड़े हो सकते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे जो एक्टिविटी दे रखी है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी दे रखी है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं KMnO4। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ये पॉइंट वापस रिपीट किया है, वही चीज लिखी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है पोटेशियम परमैंगनेट, आया था अभी पहले फर्स्ट पेज पे थे, ये रहा। इसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट की इसको क्यों लिया, इसकी खास बात ये है कि ये पानी में डालने पर पानी का कलर थोड़ा सा पिंकिश कर देता है, और डिपेंड करता है कि आपने KMnO4 को वाटर में कितना डाला है। ज्यादा डालोगे तो पानी पूरी तरह से पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक,
और कम डालोगे तो लाइट पिंक होगा। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसको डिजोल्व कर दिया। ऑब्वियसली वो डिजोल्व हो गया क्योंकि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब डिसअपीयर या डिजोल्व होने के बाद वो जो पिंक कलर का, डार्क पिंक का पानी है, उसका हमने एक सैंपल की तरह उसको लिया, 10 ml लिया। उस 10 ml वाटर को, कौन से वाटर को, जो कि डार्क पिंक कलर का हो गया है, उस सैंपल वाटर को लिया और उसको दूसरे दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं या दूसरे बीकर में डाल रहे हैं जिसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही आप उसमें वो पिंक यानी पोटेशियम परमैंगनेट वाला सैंपल वाटर डालोगे, जैसे ही आप उसमें डालोगे, जो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर था ना, वो भी कलर ऑब्टेन कर लेगा। सेम एज आप देख लो ना, आपने वो जो ब्लू नील डालते हैं कपड़ों में, व्हाइट कलर के कपड़ों को वो कलर करते हैं हम ब्लू कलर का, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरी बकेट भर के पानी में आप सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स वो डालते हो और पूरा पानी जो होता है वाटर वो लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, जैसे आप जितना डाल रहे हो वैसा कलर वो ऑप्टेन कर लेता है। सेम एज KMnO4 का यूज कर रहे हैं हम, तो KMnO4 क्या होता है, पानी में जैसे ही डालते हैं वो कलर ऑप्टेन कर लेता है क्योंकि उसके पार्टिकल पूरी तरह से पानी में घुल चुके हैं, तो वो पानी को भी अपना कलर दे देते हैं। इसका मतलब पानी में KMnO4 के पार्टिकल्स ने क्या किया, मिक्सअप किया, पूरी तरह से डिजोल्व हो गए। अब यही चीज यहाँ पे दे रखी है कि इसका 100 ml पानी लिया, अब 100 ml में ये क्या किया, ये सब ट्रांसपेरेंट वाटर था, क्लियर वाटर था, ये इसको सब में भर दिया, ये बीकर में डाला। अब बीकर में आप देखते हो कि जितना जितना आप डालोगे, यानी कि जितना आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा डाल देते, ज्यादा डालने से क्या होगा, डार्क पिंक यानी पोटेशियम परमैंगनेट का सैंपल वाटर अगर ज्यादा डालोगे आप तो ज्यादा पिंक कलर ऑप्टेन होगा, कम डालोगे तो लाइट पिंक कलर ऑप्टेन होगा। इसलिए यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बन रहे हैं। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। मतलब इसने क्या किया, फर्स्ट वाला यहाँ पे डाला, इसमें क्या डाला, KMnO4 डाला, फिर KMnO4 डाल के इसका सैंपल वाटर ले लिया, ये सैंपल वाटर फिर से इसमें डाला, ऑब्वियसली ये वाला इसमें डालेंगे फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट यहाँ पे वर्ड आया ना एक, ये रहा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज यानी कि लेमन जूस बना रहे हो आप, लेमन जूस में बहुत सारा पानी डाल रहे हो तो वो डाइल्यूट हो गया। कंसनट्रेट लेमन जूस लिया है, जैसे सिर्फ नींबू का जूस लिया है आपने, तो वो क्या है, कंसनट्रेट। कंसनट्रेट मतलब प्योर, जिसमें वाटर अमाउंट ना हो या ना के बराबर हो, और डाइल्यूट जिसमें वाटर बहुत ज्यादा ऐड हो। तो अब ये क्या हो रहा है, सबसे पहला वाला जो था वो थोड़ा सा कंसनट्रेट था, या ये मान लेते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डार्क पिंक कलर है। अब इसी को, इस सैंपल को हम फिर से पानी में डाल दें तो थोड़ा सा लाइट कलर ही आएगा क्योंकि हमने डायरेक्ट KMnO4 को नहीं डाला है, हमने इस सैंपल वाटर को डाला है, वो भी 10 ml। फिर से इसी 10 ml सैंपल को हम इसमें इसमें डालेंगे, फिर से और लाइट कलर आएगा, फिर इस सैंपल को इसमें डालेंगे, तब तक ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट जिसमें वाटर अमाउंट ज्यादा होता है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 ml 1000 liter। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इससे ये कंक्लूड निकलता है कि खाली एक पार्टिकल दिया था हमने पोटेशियम परमैंगनेट का, छोटा सा पार्टिकल दिया था, उसमें लॉट ऑफ बहुत ज्यादा पार्टिकल थे, यानी कि एक छोटे दाने में बहुत ज्यादा पार्टिकल थे जिसने उसको पानी को कलर दे दिया। मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया जो नमक के बराबर होगा, नमक के एक दाने की साइज का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल थे, यानी कि एक क्रिस्टल में एक ही नहीं बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर डालने पर घुल जाते हैं। विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। हाँ, ये चीज आप करके देख सकते हो, आपके घर में पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होगा, है ना, लेकिन डेटॉल तो होगा। अब आप देखोगे कि पानी में डेटॉल डालते हो तो पानी में डेटॉल की स्मेल आती है, फिर उसी डेटॉल वाले पानी को और किसी पानी में डालो, हल्की स्मेल आएगी, लेकिन डालते जाओगे तो एक टाइम तो आएगा जब वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें डेटॉल की स्मेल या कलर उसमें दिखाई देगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ये ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यहाँ तक ये क्या था हमारा,
मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे शुरू हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक यानी जनरल फीचर। आप सबकी, हमारी सबकी क्या होती है, कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। उसी तरह से हम पढ़ेंगे कि मैटर के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट 1.2.1 मतलब इसी का सब पॉइंट है ये कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर कोई सॉलिड मैटर है तो उसके उसके बीच में स्पेस बहुत ही कम होगा या नहीं होगा, और अगर वो लिक्विड के पार्टिकल हैं तो वो थोड़े दूर दूर होंगे, उनमें स्पेस होगा, एंड लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल, ठीक है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। इनफ यानी हर किसी में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट था ये, अब आपको नोट्स क्या बनाने। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने नोट करवाई थी आपको। वो मैटर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे, ये चीज़ लिखोगे, सीधे लिख देना आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हेडिंग डालोगे। हेडिंग के बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने। पार्टिकल्स, मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनके बीच में एक पजिस एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो आगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, ये इनका एक सेकेंड कैरेक्टर है, या ये कहे कि मैटर की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये पार्टिकल कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्लोजली अट्रैक्ट है। पहला पार्टिकल अगर वाइब्रेट होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होता है, तो इसके वाइब्रेशन से ये वाला भी वाइब्रेट होना शुरू करेगा। तो कंटिन्यूसली इस तरह से एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। ऐसे नहीं कि वाइब्रेशन हो रहा है, इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी इस पार्टिकल ने वाइब्रेशन शुरू किया तो इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को क्या दी, अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। एक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट, सो इज इट टू गेट इट स्मेल, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल स्टिंग एट अ डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सीधी सी बात है, आपने भी देखा होगा आपकी क्लासरूम में आप जब भी लगाते हो ना इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, जब भी आप लगाते हो, पहली बात तो इसने ये की है कि आपके रूम में या आपके कहीं कॉर्नर में, किसी कॉर्नर में इंसेंस स्टिक रखी हुई है, तो वो रखी हुई इंसेंस स्टिक में भी कंटिन्यूसली क्या होती है, स्मेल आती है। अच्छी खुशबू है तो वो भी आती है, बुरी स्मेल किसी चीज़ की होती है तो वो भी आती है, आएगी, पड़े पड़े भी आएगी। लेकिन अगर उसने उसको आपने लाइट अप कर दिया, यानी उसको जला दिया, जला के रख दिया है, तो और ज़्यादा स्मेल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसेंस स्टिक के पार्टिकल जिसको जलाया नहीं था वो भी कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे थे, वो पर्टिकुलर उसी इंसेंस स्टिक में अटके हुए नहीं थे, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए उनकी स्मेल आ रही थी। दूसरी चीज, अगर उसको हमने लाइट अप कर दिया है तब भी उसके पार्टिकल स्पीड से स्पीडली पूरे रूम में फैलेंगे, जिसकी वजह से अच्छी या बुरी दोनों तरह की स्मेल पूरी तरह से फैल जाती है। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि किसी भी चीज के पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ, नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ दे रखी है, फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी ऑन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। हाँ, आप समझ सकते हो कि आप देख सकते हो कि अगर आपने किसी बीकर में ब्लू कलर की इंक का एक ड्रॉप डाला है, या रेड कलर की इंक का किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें आप एक फुट एक ड्रॉप ब्लू इंक या रेड इंक या ब्लैक इंक, कोई भी इंक आप डालोगे, तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो घुलेगी। पहले तो मिक्सअप होने की कोशिश करेगी, उसके सारे पार्टिकल पानी के अंदर दूर दूर जाएंगे। फिर एक टाइम के बाद अगर उसको आप स्टीर इट वेल कर देते हो, तो हिलाने के बाद वो पूरी तरह से एक कलर ऑब्टेन कर देता है, लाइटिश ब्लू या लाइटिश रेड, लाइटिश ब्लैक, इस तरह का पूरा कलर वो क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस लिक्विड को अंदर डाला था, एक ड्रॉप, सिंगल इंक की ड्रॉप को भी अंदर डालोगे तो वो उसके सारे पार्टिकल पूरे पानी को कवर कर लेंगे या पूरे पानी के साथ वो उसके पार्टिकल फैल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ, सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यू पार्टिकल मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यही एक्टिविटी है जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समझा दिया है मैंने। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी दे रखी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टेट द सॉल्यूशन। ये वही चीज़ है कि जैसे यहाँ इंक को अप्लाई किया था, यहाँ पे CuSO4 और कॉपर सल्फेट को अप्लाई करो। कॉपर सल्फेट का कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है, तो अगर आप उसको कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल को आप डाल रहे हो तो सेम एज पोटेशियम परमैंगनेट जैसा ही कलर आएगा, मतलब उसका पिंक आता था तो इसका ब्लूइश आएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द अबोव थ्री एक्टिविटीज 1.3, 4 एंड 1.5 विन कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमारा क्या निकल गया, रिजल्ट निकल गया है ना, कि हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब ये यहाँ पे वर्ड आया, इसको अंडरलाइन करो, मैं बता चुकी हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि किसी चीज को आप हीट कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपने स्पून लिया है, एक स्पून को अगर आप गैस के एक बर्नर पे रख देते हो तो वो गर्म होगा। पहले उसका ये पॉइंट गर्म होगा, सपोज ये स्पून है, इसको हमने गैस पे रखा, यहाँ पे फ्लेम लग रही है, ये पोर्शन पहले हीट होगा, धीरे धीरे ये पोर्शन हीट होने के बाद ये पोर्शन होगा, और ये पोर्शन हीट होने के बाद एट टाइम लास्ट टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पोर्शन भी हीट हो जाएगा, आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वाले पार्टिकल्स जो कि हीट हुए, इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी इधर वाले पार्टिकल को दी, इधर वाले ने इधर वाले को दी, और इन सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। इक्विलिब्रियम यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे चम्मच स्पून गर्म हो, ठंडा गर्म होगा और यहाँ पे ठंडा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन के थ्रू आती है, वो वाइब्रेट करता हुआ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी KE को ट्रांसफर करता रहेगा। आगे जब फिजिक्स में आप इसी साल इसी 9th की बुक में आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़ना है, लेसन नंबर 8 में शायद, वर्क एंड एनर्जी वाला जो भी चैप्टर है उसमें आपको डिटेल में काइनेटिक एनर्जी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे ही बता दिया मैंने, अभी शॉर्ट में बता दिया, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, बता दिया। जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ के पार्टिकल्स फास्टली मूविंग करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी चीज को आप हीट करोगे पार्टिकल्स क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। जैसे हमको गर्मी नहीं पसंद ना, वैसे पार्टिकल्स को भी नहीं पसंद, सॉलिड के पार्टिकल पास पास रहते हैं, लेकिन उसको हीट करते हो तो वो दूर दूर जाते हैं। जैसे आप भी गर्मी के दिनों में क्या करते हो, डिस्टेंस बना के रखते हो, वही ठंड यानी डाउन टेम्परेचर पे सारे पार्टिकल्स क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ठंड में हम क्या करते हैं, पास पास में बैठते हैं ताकि हमको क्या लगे, बॉडी से हीट प्रोवाइड हो। उसी तरह से लिक्विड के पार्टिकल्स को जब कूल डाउन करें, वो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो वो पास पास आने की कोशिश करते हैं। और सॉलिड को जब आप हीट करते हो ना, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया, भले वो आयरन की रॉड हो, उसको भी अगर आप हीट करोगे तो उसके पार्टिकल भी दूर दूर भागेंगे। और दूर भागेंगे, जैसे ही सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, वो पार्टिकल के बीच में स्पेस आने से वो चीज़ सॉलिड ना रह करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपको पता ही है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, बढ़ती जाएगी। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन ईच अदर, दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, वाई डज दिस हैपन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, क्वेश्चन छोड़ा है इसने, मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रहा है। डिफ्यूजन न्यू वर्ड आया है ना, आई थिंक आपने पहले सुना होगा, 6th-7th में था ये, एक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में छोटा सा वर्ड ही आया था उसमें, डिफ्यूजन में। आप नॉर्मल समझ लो, जैसे आप O2 को अंदर ले रहे हो, CO2 को बाहर निकाल रहे हो। प्लांट्स के स्टोमेटा जो होते हैं ना, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं डे टाइम और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं।
तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम CO2 को अंदर नहीं लेते, हम सिर्फ O2 को अंदर ले रहे हैं? तो ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मीनिंग है कि हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स के बीच में कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। बाहर वाला अलग होगी, अंदर अलग होगी। अंदर डिफ्यूजन कम होगा, बाहर ज्यादा होगा, बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती, यानी दोनों का कंसंट्रेशन लेवल, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लेवल जब तक के बराबर नहीं होता, गैसेस अंदर बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे एसी वाले रूम में आप डोर खोल रहे हो तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाहर आएंगे, और अंदर वाले ठंडे पार्टिकल्स जो है, यानी ठंडी हवा जो है, वो बाहर आने की कोशिश करेगी, और बाहर वाली जो वार्म एयर है वो उस रूम में आने की कोशिश करेगी। तो ये चीज क्या होती है, डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, पहला था कि ये कितने छोटे होते हैं, सेकेंड था ये इनके बीच में स्पेस कितना होता है, और अब थर्ड हम ये देख रहे हैं अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल्स, सारे मैटर के सारे पार्टिकल्स क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे जो है वो इदु मिश्मी डांसर्स का स्टेप दे रखा है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो दे रखा है वो खाली समझाने के लिए है कि किस तरह से इन्होंने एक दूसरे को यानी होल्ड किया है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इनके बीच में स्पेस कितना है। तो ये जो एक्टिविटी दे रखी है इसको आप पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कि कैसे सॉलिड के पार्टिकल पास पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये सारी चीज मैं 2 बार 3 बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आगे का जो भी है ये एक्टिविटी को मैं पढ़ाऊंगी, उससे पहले आपका काम है कि नोट्स बना दो, और उसके साथ साथ ये पूरा समझ के आना। मैं और आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगी, यहाँ तक कि आप रिवाइज करके आना। थैंक यू।